अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरीदा और आप देख रहे हैं फरीदा नागपुर ब्लॉगर। कैसे हैं आप सब? तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज मैं जल्दी उठी हूँ, क्योंकि मैं 9:30 उठ रही हूँ। मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ। और आज से कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करूँ। आयान का टिफिन भी है क्योंकि अब से, और बन रही है चाय। हाँ, चाहिए आप लोग को चाय पीने के लिए। यहाँ थोड़ा सा हल्का सा मैसेज पड़ा है, आयान ने टिफिन 10 बार चेंज कराया है, इस वजह से पहले बोला कि जो बैग वाला टिफिन है उसका उसमें दो, फिर बोलता है नहीं ऐसा वाला दो पन्नी में रख के ज़्यादा होना, फिर ये दिया तो इसको भी खाली कराया, फिर उसके पापा वाला ऑफिस टिफिन लेके गया है वो। तो खैर 4-5 बजे आता है तो थोड़ा नखरे झेलना ही पड़ता है, तो चाय बना लेते फिर आपसे मिलके। इसको दो, कोई गरीब आ जाए बेचारा ठंडी में। ये हो रहा है माहम का नाश्ता चिकन। यहाँ चाय बन के हो गई रेडी, और ये है सीता दीदी की चाय, ये पक रही है हमारी मीठी चाय। और ये रहे पपेतोस। तो फ्रेंड्स, हो चुका है नाश्ता। मैंने बनाया था भिंडी रोटी, सॉरी बहुत गड़बड़ थी इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं नाश्ता। और ये मेरे बच्चों का सोने का टाइम हो गया। मैंने जैसे बताया था आपको पहले भी, मेरे दोनों बच्चे है ना सुबह फजर से उठ जाते हैं। अभी घूम फिर के आए, खा पी लिए, अभी इनका हो रहा है सोने का टाइम। और ये है कुछ मेरे घर की हालात। जब मैं बिलासपुर गई हूँ ना, तब से मेरी बेटी ने यहाँ पे धुले हुए कपड़े जमा करके रखे हुए, और अब मैं इनको जा रही हूँ घड़ी करने। और वो है उसकी दादी का बैग, जो अभी आज भी रहेगा, कल चला जाएगा भाभी के घर। तो मिलती हूँ आपको ये सब क्लीन करने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, हो गई है शाम, हमारा खाना नाश्ता सब हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं अमीना की ड्रेस लेने, क्योंकि वो पापा का पनिशमेंट है, मैं वो बाद में आने के बाद बताऊंगी आपको। हाँ, और यहाँ से बैठे मोबाइल चला रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हम लोग जा रहे हैं पाशा भाई की दुकान, मैं अमीना और मम्मी, आप लोग को दिखाऊंगी। हम लोग आगे निकल गए, वॉशिंग मशीन बंद कर रहे हैं। कहाँ चले गए ये खड़े, देखो ये दोनों को देखो, यही खड़े हुए थे। फिर नहीं, तेरे लिए मैं मंगाती हूँ, फिर उसको छोटा कराती हूँ। ये है हमारे कौसर खाला, और ये है दुकान इनकी, ये कपड़े की। और यहाँ हम लोग बैठे हैं, और यहाँ है बर्तनों की, जहाँ से मैंने जहेज लेके गई थी। मम्मी बैठे हैं, तो ये देखिए हमने करे है खाला की दुकान का हाल पसारा, और इतने कपड़ों में फिर हमने ये दो लिए हैं। ये एक कफ्तान है, दिखाना मम्मी ने, और ये एक फ्रॉक है, लॉन्ग फ्रॉक है, इसके साथ नीचे पैंट है, दुपट्टा अलग अलग लिए हैं हम लोगों ने। पैंट भी माशाल्लाह अच्छा वर्क वाला है, देख सकते हैं आप, अच्छा है। और ये है, और ये वाला कफ्तान है जिसका इनर हम लोगों को सिलवाना है। इसके अंदर ब्लैक, ब्लू, हर कलर पहन सकते हैं आप, अपनी मर्जी से पहन सकते हैं ना खाला। और इसके साथ हमने लिए है ये ब्लैक पैंट और ब्लैक दुपट्टा। ये रही अमीना की शॉपिंग, और हम लोग अब थक गए, अब घर जाते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। वी आर बैक टू होम। गिर रही थी मैं, सीढ़ी चढ़ रहे थक गए यार, नहीं थोड़ी ऊपर की पट्टी बाकी है ना। देखते हैं पापा का रिएक्शन, वो पहले ही भाग गई, मेरे को दिखाना था आप लोगों को। अरे देखिए मैं ग्रीन लिया, ये हमने 2 अनियन लगाए थे, देखो कितने प्यारे हो गए ना, सुबह निकालूंगी इसको। पापा कहाँ है? पापा फैन क्यों बंद है? आपको क्या मिला है? खट्टी मीठी इमली की चॉकलेट।
घर पे काम कर रहे हो आज, जा नहीं रहे हो? उसके पापा को दिखा रही है, ये उसके पापा को पहन के दिखा रही है ड्रेस। साइड से कट है वो, नहीं गोल फ्रॉक है ना। हाँ अच्छा आ रहा। आप पैंट दिखाओ, पैंट लिए जो अपन ने इसका, पैंट दिखाओ। देखो ये वर्क वाला पैंट मिला है, बस इसका व्हाइट दुपट्टा नहीं मिला, ऑफ व्हाइट है तो हमने नहीं लिया। अभी वो चेंज करके दूसरा बताएगी। ये देखो आमिना को ये लिए है दुपट्टा, और ये उसका है कफ्तान, और ये लैगिंग पैंट है, इसमें भी वर्क है, आपको पास से दिखा।